ये रहा आपका बीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जामिया मिल्लिया इस्लामिया 2021 का। चलिए इसके आंसर्स देखते हैं फटाफट और साथ साथ सोल्यूशन भी, और आप चेक करके बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि इस बार कट ऑफ किस तरफ शिफ्ट हो सकती है। साथ ही साथ अगर पार्ट बी के क्वेश्चंस आपको याद हैं तो प्लीज़ वो भी हमें यूट्यूब पे कमेंट की फॉर्म में या हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों के वो नेक्स्ट ईयर काम आ सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड एड्स इज ए ब्रिलियंट बुक रिटन बाय ए बास्केटबॉल प्लेयर। कौन था ये बास्केटबॉल प्लेयर? ये था मैजिक जॉनसन, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्वीडलिडी एंड ट्वीडलिडम आर द फिक्शनल करेक्टर्स फ्रॉम विच चिल्ड्रंस बुक। तो इनमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, बेसिकली एक बुक थी थ्रू द लुकिंग ग्लास लेविस कैरोलिस की, उसमें था ये करेक्टर, उसमें थे ये करेक्टर्स। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो या तो डिलीट हो जाना चाहिए या उसके मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन उसमें मैच नहीं कर रहे हैं। रिप वैन रिंकल इज रिटन बाई, किसने लिखी है ये? तो ये लिखी है आपकी वाशिंगटन इरविंग ने, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4, थ्री इडियट्स मूवी इज एन एडेप्टेशन ऑफ। तो ये चेतन भगत की एक किताब थी 5 पॉइंट समवन, वहाँ से ये ली गई थी, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास, कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ये है आपकी माई स्टोरी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड एड्स। माई गॉड, ये क्वेश्चन पेपर तो बार हो गया क्या? यस ओके एनीवे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेम द अमेरिकन पॉइट हु रीड ए पॉइम एट जॉन्स एफ कैनेडीज इनोग्रेशन सेरेमनी। तो ये पॉइट थे आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द हाइट ऑफ मच्छू पिच्छू इज ए पॉइम रिटन बाय, किसने लिखी थी ये पॉइम? तो ये पॉइम आपकी लिखी थी पेब्लो नेरुडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ऑफ वुमेन बॉर्न इज ए फेमिनिस्ट बुक बाय, किसने लिखी थी ये किताब? तो ये किताब लिखी थी एड्रेन रिच ने। नेक्स्ट 9th, हु हैज ऑथर्ड द मेमोर द वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो ये है आपका स्टीफन स्पेंडर। 10th, ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन्स होमर्स इज ए सोनेट बाय, तो ये एक सोनेट है किसका? जॉन केट्स का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विशाल भारद्वाज मूवी हैदर इज एन एडेप्टेशन ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले, तो ये है हेमलेट का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इडियम पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक वॉज फर्स्ट यूज इन द नॉवल, किस नॉवल में इसका इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले? तो ये किया गया था आपका डॉन क्विज़ोट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द इडियम ब्रेक द आइस वॉज यूज फर्स्ट इन द शेक्सपियरियन प्ले, शेक्सपियर किस प्ले में इसका इस्तेमाल किया गया था, यूज किया गया था? तो ये था आपका प्ले द टेमिंग ऑफ द शिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 1984 इज ए नॉवल रिटन बाय, किसने लिखा है नॉवल? तो लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कैच 22 इज ए नॉवल बाय, तो ये नॉवल है आपका जोसेफ हेलर का। क्वेश्चन नंबर 16, मार्क ट्वेन्स रियल नेम वाज, क्या नाम था इनका रियल? तो ये था आपका सैमुअल क्लेमेंस लेंगहोर्न। 17, विली वोंका इज ए फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम द नॉवल, तो ये किस नॉवल का था? ये था चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 18, रिवॉल्यूशन 2020 इज द लेटेस्ट नॉवल बाय, किसने लिखा है ये रिसेंटली नॉवल? शशि थरूर ने, कांग्रेस के जाने माने लीडर हैं ये। 19, विच नॉवल वॉन द बुकर प्राइज फॉर 2021, किस नॉवल को मिला है बुकर प्राइज? तो ये मिला है आपका एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि किसका ये नॉवल है। एनाफोरा मीन्स रिपीटेशन ऑफ वर्ड, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइनेक डॉक चे मीन्स पार्ट रिपीटिंग होल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22, नियोलॉजिज्म मीन्स यूज ऑफ ए टर्म दैट हैज बीन न्यूली क्रिएटेड, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्टेव इज एन 8 लाइन स्टेंजा, तो पहला ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बर्लेस्क इज ए सेटायरिक पॉइम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 का देखिए, मिस हैवीशम इज ए पॉपुलर फिक्शनल करेक्टर ऑफ चार्ल्स डिकेंस,
चार्ल्स डिकेंस का कौन सा नॉवल था ये जिसमें इसका इस्तेमाल किया गया था, ये था ग्रेट नाम से। आगे गोइंग फॉरवर्ड कोई एग्जाम आप देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको नोट करके रखिए। 26 देखिए, डेजा वो इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स, क्या मतलब होता है इसका डेजा वो का, तो इसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन। द वर्ड सिजल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह का एग्जाम्पल है ये, तो ये ओनोमेटोपिया। 28, व्हाट इज जिनोफोबिया, तो जिनोफोबिया इज फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स से डरना। यूथेंसिया मीन्स मर्सी किलिंग, तो ऑप्शन ए यहाँ पे भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30, द फेमस स्पीच आई हैव ए ड्रीम वॉज डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 31 देखिए, व्हाट इज द 7th एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट इन जे के रावलिंग्स हैरी पॉटर सीरीज, तो ये था हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे आपका। 32, हु इज द राइट ऑथर ऑफ टाइम मशीन, टाइम मशीन का राइटर कौन है, एच जी वेल्स। और देखेंगे 33, हु इज द फर्स्ट फ्रेंच राइटर टू विन द बुकर प्राइज, डेविड ड्यूऑप। 34, नेम द पोएट हु रीड द पोएम द हिल वी क्लाइम इन जो बाइडेंस इनोग्रेशन सेरेमनी, तो ये जो पोइट थे ये थे आपके अमंडा गोरमन, लेडीज इन शायरी है। ओके 35 देखिए, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 वाज बैक्ड बाय, किसको मिला है ये, तो ये लुइस ग्लब को मिला है, ये अमेरिकन राइटर हैं। और 36 देखिए, नेम द पोइट हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 द पोइट्री कलेक्शन वैन गॉड इज ए ट्रेवलर, तो ये है आपकी अरुंधति सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 37, हु हैज रिटन द नॉवेल एन इरा ऑफ डार्कनेस, एन इरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है नॉवेल, तो ये लिखा है आपका अरुंधति रॉय ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, नहीं नहीं सॉरी शशि थरूर का है, सॉरी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है, सी नहीं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, हु हैज रिटन द बुक माई सेडिशियस हार्ट, ये अरुंधति रॉय का है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भी इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसके लिए इनको एक बहुत ही फेमस अवार्ड मिला है, वो कमेंट करके आप बताइए। आपसे ये सवाल बार बार पूछा जाएगा जब तक भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे थ्रू आउट लाइफ। 39 देखिए, विच राइटर क्रिएटेड द फेमस फिक्शनल करेक्टर ऑफ काउंट ड्रैकुला, तो कौन से राइटर का था ये, तो ये थे एक आयरिश राइटर, इन्होंने किताब लिखी थी ड्रैकुला नाम से, और राइटर का नाम है ब्रैम अब्राहम स्टोकर थे, वैसे ब्रैम स्टोकर यहाँ पे दिए हुए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 लास्ट क्वेश्चन है, यूएस प्रेसिडेंट हैज ऑथर्ड द बुक ऑडेसिटी ऑफ होप, कौन थे यूएस प्रेसिडेंट ये, तो ये बराक हुसैन ओबामा थे, इनकी वाइफ ने भी एक बहुत फेमस किताब लिखी है, उसको आप याद करके रखना, गोइंग फॉरवर्ड आपके काम आने वाली है। तो ये हुए 40 क्वेश्चन आपके फटाफट। अब आपकी ड्यूटी है कि आप बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके इनमें से सही हुए हैं, ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि कितनी मेरिट जा सकती है, कट ऑफ किस तरफ शिफ्ट होगी। साथ ही साथ अगर आपको पार्ट बी वाले क्वेश्चन एक दो या सब याद हैं तो वो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दें, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बता दें, या हमें व्हाट्सअप कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।